मैं भी अपना कप उठा दूंगा यार। यार मेरी चाय मुझे लगती है गर्म है। A few moments later. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार अब्बासी, आप मेरा YouTube और Facebook देख रहे हैं, कमकार वाला मुंडा। तो आज हम जो है ना रेस्ट में हैं, बल्कि रेस्ट में क्या, आज हम सोए हुए व्लॉग बना रहे हैं। छोटा सा फर्स्ट क्लिप जो है ना वो आज मैं आप लोगों को मतलब के इस तरह के बना के दिखा रहा हूँ। तो भाई लोग आज जो है ना लाहौर में जो है ना जोर से बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी। हम अभी नींद से उठे हैं तो हमें पता चला कि ना बारिश बहुत तेज़ आ चुकी है और हवा जो है ना इतनी तेज़ ठंडी ठंडी चली हुई है कि मुझे सर्दी लग रही है। मैंने सर पे भी और जिस्म पे भी मस्त कपड़े पहने हुए हैं और कुछ भी नहीं पहना हुआ। अरशद भैया मेरे साथ है, ये भी तकरीबन इसे 2-3 दिन हो चुके हैं लाहौर में आए हुए, ये भी हमारे साथ रह रहा है। मैंने सोचा क्यों नहीं आज इसके साथ भी थोड़ा सा व्लॉग बना लेते हैं। तो आज थोड़ा बारिश हल्की होने के बाद हम जा रहे हैं जो है ना न्यू लाहौर सिटी की तरफ। वहाँ पे जो है ना मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी काश्त करनी है, वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह मैं व्लॉग में दिखाऊंगा कि मैं कैसे सब्ज़ी काश्त करूंगा और क्या क्या मतलब के उनकी चीज़ें जो है ना वो तैयार करनी पड़ेंगी और हम क्या क्या चीज़ें लगा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको ये बारिश का व्यू भी दिखा देता हूँ, देखिए आप लोग कैसे मतलब कि लाहौर में लोग इस बारिश को इंजॉय भी कर रहे हैं और सर्दी भी है, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। तो ये है जी बारिश का थोड़ा सा बहुत व्यू। ये बच्चे देखें, बच्चे देखें, ये सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं। अरशद भाई भी एंजॉय कर रहा है साथ में और ये रिक्शे वाले भाई भी एंजॉय कर रहे हैं बारिश में। ओए अरशद मुझे तो सर्दी लग रही है यार कसम से, यार इतनी ठंड पड़ गई है। अरशद कह रहा है कि मैं नहाने चलता हूँ, मैंने कहा यार मुझे नहीं नहाना, मुझे मुंह भी नहीं धोना आज, क्योंकि आज इतनी ठंड है ना, इतनी ठंड है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ यार, मुझे सर्दी लग रही है। मैं अंदर जा के सो जाता हूँ, अरशद आप गेट बंद कर दो, बस ये डोर जो है ना ऑफ कर दो, मैं आप सोने लगता हूँ यार, सर्दी बहुत ज्यादा है, अभी नाश्ता भी नहीं किया। अरशद कह रहा है कि ना जल्दी करो नाश्ता करने चलते, मैंने कहा नहीं यार आज नाश्ते का मूड नहीं है, इतनी ठंड है बाहर जाने का दिल भी नहीं करता। तो थोड़ी बारिश हल्की हो जाए फिर जाके नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर जाके हम जो है ना सब्जी काट करेंगे। तो अरशद का मूड बना हुआ है यार, नहीं कैसे अरशद भाई, अरशद इधर तो दे, इधर तो दे, तुम्हारा मूड बना हुआ है आज काम पे जाने का? नहीं मूड है यार, मुझे चलो जाते हैं, जाते हैं, नो टेंशन। नाश्ता करने के बाद हम लोग आए हुए हैं चाय पीने के लिए, ये अरशद साहब बैठे हुए हैं और ये मिस्टर नुमान साहब और इधर से मैं भी बैठा हूँ। ज़्यादा नहीं देखना मुझे, आंखों में लाइट पड़ रही है, मैंने मोबाइल का फ्लश ऑन किया हुआ है। ये हमारी चाय आ चुकी है, नुमान साहब ने अपना कप उठा दिया है और अरशद साहब बैठे हुए हैं। चलो भाई अरशद साहब अपना कप आप उठाएं, मैं भी अपना कप उठा दूँगा। यार मेरी चाय मुझे लगती है गर्म है। मेरा मुंह जल गया, गरम गरम चाय सी पी सही ठंडी है चहानी नहीं मरदा। ओए 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 चंदमान आप भी लगाएं सूटा, तुम तो बड़े छित्ते हो चाय पीने के लिए। दोस्तों देहात वालों को तो ये कुछ नहीं कहते, लेकिन जो शहर वाले होते हैं ना वो उनसे
ये इसके साथ काम भी नहीं होता, क्योंकि हम देहात के रहने वाले हैं तो हमें तो आदत पड़ चुकी होती है इनको चलाना, ये मतलब काम वगैरह करना, बट हमारे लिए मुश्किल कोई नहीं रहता। क्या मसला है, भैंस क्यों रींग रही है? भैंस जब रींग रही है तो मुझे यार अपना विलेज, अपनी लाइफ, अपना देहात वो याद दिला रही है भैंस रींगते हुए। इंशाल्लाह जल्द मैं आपको एक फनी वीडियो बना के दिखाने वाला हूँ, वो भी घर जाकर, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं मुझे लाहौर में रहते हुए, तो अब घर भी जाना है मुझे। तो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द जो है ना मैं घर जाने की तैयारी बना रहा हूँ। तकरीबन आज मेरे ख्याल में कोई 3 तारीख है, तो इंशाल्लाह। ओ मेरा बन टूट गया, कसी, बन टूट गया सारा, जल्दी से या भाग गया। पकड़, इसको पकड़, मेरा बन टूट गया रे। चलो अब मैंने कवर कर लिया है। तो दोस्तों ये पनीरी जो है ना ये आई हुई है, ये गोभी है और ये भी, और ये है टमाटर। ये हमने मोटर के साथ जो है ना पानी लगाया हुआ है इनको। तो ये हमारी क्यारी जो है ना वो अब रेडी हो चुकी है। अब इसको जो है ना क्या करूँ मैं, मतलब कि सीधा कर तो कर लिया, मतलब प्लेन लेवर इसका निकाल लिया। अब ये दूसरी जो है ना ये बनाने लगे हुए हैं। शाबाश मेरे यार, शाबाश। इस तरह नहीं करना बच्चे, इस तरह नहीं करना। तो दोस्तों ये मैं बना लूँ तो फिर आपको मतलब के एंड दिखाऊंगा। तो फाइनली व्यूअर ये हम लोगों ने अभी सब्जी जो है ना वो अपने कास्ट कर ली है, वो टमाटर भी हमने लगा दिए हैं, ये कुछ बच चुके हैं, और ये जो है ना गोभी लग चुकी है मुकम्मल। अब ये जो जगह है ना ये मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे हम लगाएंगे करेले। ये सारी जितनी भी ज़मीन बची हुई है इन बना रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैंने ये जो है ना खेले इनके बना लिए हैं, ये आप देख सकते हैं ये भी बने हुए हैं, और इनमें जो है ना हमने पानी लगा दिया है। वो सामने जो है ना पनीरी भी आई हुई है, गोभी और टमाटर जो है ना हम लगा रहे हैं, और ये मेरा दोस्त ये भी मेरे साथ लगा हुआ है इस चीज़ पे, क्योंकि सब्ज़ी काश्त करना शहर में जो है ना मुश्किल होता है, थोड़ी सी जगह होती है, बट यहाँ पे तो काफ़ी जगह है जहाँ पे सब्ज़ी लगाई जा रही है। जानवर भी रखे हुए हैं इन लोगों ने, और ये बच्चे भी खेल रहे हैं। तो अभी ये जो है ना मैं यहाँ पे जो है ना धनिया वगैरह और लहसुन वगैरह जो है ना ये काश्त करने लगा हूँ, और ये मेरी कसी रही, और ये जगह जो है मैं तैयार कर रहा हूँ अब। तो अभी इनको तैयार करते हैं। तो फाइनली व्यूअर हम लोगों ने सब्ज़ी काश्त कर ली है मुकम्मल तौर पे। अभी ये एरिया बच रहा है, इनको मैं जो है ना ये बना रहा हूँ करेलों के।